कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। गुजरात के बाद अब अमेठी दौरे पर पहुंचे कांग्रेस के युवराज ने केंद्र सरकार पर एक के बाद एक कई ताबड़तोड़ वार किए। नोटबंदी और जीएसटी को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को कुर्सी छोड़ने तक की नसीहत दे डाली। अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी पहुंचे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी एक जनसभा के दौरान बीजेपी पर जमकर बरसे। जीएसटी के मुद्दे पर घेरते हुए राहुल गांधी ने सरकार पर धोखा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने 14% जीएसटी लागू करने की सिफारिश की थी, तब मौजूदा सरकार के नेताओं ने पूरे देश में इसका विरोध किया था। आज उन्हीं की सरकार ने 28% जीएसटी लागू करके लोगों के साथ धोखा किया है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर हमला करते हुए कहा कि वो भाषणों में देश का वक्त बर्बाद करने के बजाय जीएसटी में बदलाव करें। इस दौरान कांग्रेस उपाध्यक्ष ने रोजगार के मुद्दे पर भी मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि मोदी मेक इन इंडिया की बात करते हैं लेकिन रोजगार देने में नाकाम हैं। राहुल ने पीएम मोदी पर आरोप लगाया कि वो अपने फैसले देश पर थोपते हैं, जबकि पूर्व की यूपीए सरकार अपने सभी फैसलों में जनता की राय लेती थी। डीबी लाइव की रिपोर्ट।